खड़ा होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो, ये आम आदमी की सभा है। कहाँ कहाँ पर दूर दूर दिल से पर चल रहा है आपका? मैं सबसे पहले मुड़ी जहांगीरपुर गाँव न्यामतपुर फादरपुर सतेरा बूढ़ी तानगढ़ी सभी गाँवों में भ्रमण करते हुए उसके बाद आवलखेड़ा में पूरे बाजार में लोगों को भ्रमण किया। इस तरह जन सैलाब के साथ आप देख रहे हैं जन समर्थन, निश्चित ही जन समर्थन से ये महसूस होता है कि निश्चित ही आपकी जीत बीएसपी की जीत यहाँ से हो चुकी है। और यहाँ की जनता की एक ही पुकार थी कि हमें अपना लाडला दुलारा अपने बीच का साथी यहाँ से विधानसभा का रहने वाला विधानसभा में जन्म लेने वाला केवल राकेश बघेल है और यहाँ से बाहर की प्रत्याशी को बाहर करना है और लोकल के प्रत्याशी को जिताना है। जितना बाईसी समर्थन आप देख रहे हैं यहाँ बाईसी का गढ़ है आवलखेड़ा, यहाँ भूमि देवभूमि है, तो निश्चित ही यहाँ से आशीर्वाद लेकर आशीर्वाद मुझे मिला है। निश्चित ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ 10 मार्च को रिजल्ट बीएसपी जीत चुकी है राकेश बघेल। जनता की कोई समस्या है जो आपके सामने जनता रख रही है? मुझे नहीं लगता कि ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत अध्यक्ष के नाते जिला पंचायत से मैंने इतना काम कराया है। हमारे मेंबर साहब हमारे साथ हैं, ये उम्मीद सिंह आपने भी यहाँ जितने भी समस्याएं दी उन समस्याओं का हर समस्या का निदान मैंने एक जिला पंचायत से किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो समस्या ग्रामीण की समस्या नहीं रही पूर्व की भांति। यहाँ निश्चित ही जनता ने मन बनाया है कि अब की बार जो विकास पुत्र है विकास का जो विकास करने वाला बेटा है लाडला है दुलारा है राकेश बघेल को हम बीएसपी से जिताना है। धन्यवाद।